कुंभ मेले के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। यह भी आपको पता होगा कि इसका आयोजन 12 वर्ष में होता है, लेकिन 12 वर्ष में इसका आयोजन क्यों होता है, यह बात शायद ही आपको पता होगी। आज हम आपको बता देते हैं कि कुंभ 12 साल में क्यों लगता है। आपको बता दें, कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयाग, नासिक तथा उज्जैन में होता है। हर जगह कुंभ मेले का आयोजन 12 साल में ही एक बार होता है। कुंभ मेले के 12 वर्ष में एक बार आयोजित होने के पीछे दो मान्यताएं हैं। पहली ज्योतिष मान्यता है, दूसरी पौराणिक मान्यता है। आपको बता दें, ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार भद्रक में स्थित 360 अंश को 12 भागों में बांटकर 12 राशियों की कल्पना की गई है। भद्रक से तात्पर्य आकाश मंडल से है। हर कुंभ के निर्धारित मुहूर्त में गुरु और सूर्य विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। गुरु एक राशि पर लगभग 13 महीने तक रहता है और फिर उसी राशि पर आने में 12 वर्ष का समय लगता है। यही कारण है कि कुंभ पर्व 12 वर्ष में एक बार होता है। हरिद्वार, प्रयाग व नासिक में हर 12वें साल में कुंभ की परंपरा है। उज्जैन में कुंभ को सिंहस्थ कहा जाता है, क्योंकि इस समय गुरु सिंह राशि में होता है। आपको पौराणिक कथा के बारे में भी बता देते हैं। आपको बता दें, पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार इंद्र देवता ने महर्षि दुर्वासा को रास्ते में मिलने पर जब प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी माला दी थी, लेकिन इंद्र ने उस माला का आदर न कर अपने हाथी के मस्तक पर डाल दिया, जिसने माला को सूंड में घसीट कर पैरों से कुचल डाला था। इस पर दुर्वासा जी ने क्रोधित होकर इंद्र को श्रीविहीन होने का शाप दिया। इस घटना के बाद इंद्र घबराए हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने इंद्र को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इंद्र की रक्षा करने की प्रार्थना की थी। भगवान ने कहा कि इस समय असुरों का आतंक है, इसलिए तुम उनसे संधि कर लो और देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर अमृत निकालो। जब अमृत निकलेगा तो हम तुम लोगों को अमृत बांट देंगे और असुरों को केवल श्रम ही हाथ लगेगा। आपको बता दें, इस भागदौड़ में देवताओं को पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी पड़ी थी। इन 12 दिनों की भागदौड़ में देवताओं ने अमृत कलश को हरिद्वार, प्रयाग, नासिक तथा उज्जैन नामक स्थानों पर रखा था। इन चारों स्थानों पर रखे कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलक पड़ी। अंत में कलह को शांत करने के लिए समझौता हुआ। भगवान विष्णु ने मोहनी रूप धारण कर दैत्यों को भरमाए रखा और अमृत को इस प्रकार बांटा कि दैत्यों की बारी आने तक कलश रिक्त हो गया। देवताओं का एक दिन मनुष्य के एक वर्ष के बराबर माना गया है, इसलिए हर 12 वर्ष में कुंभ की परंपरा है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।